बंदोबस्त करायचा चेक आणला का तिथे हे दुसरे देते अजून एवढं करायचं प्लॅन नाही सगळं पूर्ण हां ये टाकू हां हां पहला तो खाना बनाने से पहले हम हाथ धोते सब लोग जितने मेंबर्स रहते वहाँ पे, तो फिर मैं हाथ धोया और उसके बाद मैंने टिफ़िन भरा। टिफ़िन भर के फिर मैं बालवाड़ी में आ गई। बालवाड़ी में आने के बाद मैडम ने टिफ़िन लिया मेरे हाथ से, उन्होंने वज़न किया। पहले तो वज़न होता है, वेट करते वो लोग, तो वज़न करने के बाद मेरे को टेस्ट करने को दिया, तो मैंने टेस्ट किया। उसके बाद उन्होंने साइन करने को, जो फ्रूट चार्ट रहता है, तो वो मैंने साइन किया उसके ऊपर कि मैं ही लेके आई करके, उनका वो साइन रहता है, तो वो साइन किया। उसके बाद फिर मैडम ने बच्चे लोग का हैंड वॉश किया, फिर खाना दिया और फिर मैं टिफ़िन लिया और बच्चों को बाय बाय करके घर पे चली आई। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। बचतगढ़ ने तो इतना मदद किया मेरे को कि मेरे बच्चे का पढ़ाई के लिए मदद मिलता है घर पे। घर पे कुछ भी अपना मतलब पर्सनल हम कमाते हैं तो उससे और ये आता है ना अपने में, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हाँ मैम, रोज़ देती हूँ, मंडे से फ्राइडे तक मैं खाना बच्चों के लिए बनाती और वहाँ के पहुँचा देती हूँ। बचतगढ़ की तरफ से जितनी महिलाएं हैं सबसे कॉन्ट्रीब्यूशन करके हम निकालते पैसा। उसके बाद एक महीना हो जाता है, महीने के बाद हमें मुंबई स्माइल संस्था है वो हमें चेक देती है, तो चेक आने के बाद हम बैंक में डालते, बैंक में क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करते कि किसका कितना लगा। हमारी जब मेहनत रहती है तो हम जितने लोग रहते हम ये करते, और उसके बाद फिर हर रोज़ का वही डेली का अलाउ। मुझे तो 50-60 रुपये दिन का मुझे मिलता है, और उसमें मैं अपने बच्चे के लिए, अगर बच्चे को, अगर बच्चा बोलेगा मेरे को मामा कार दे दो, मामा चॉकलेट दे दो, कभी कभार हमारे पास नहीं रहता है पर हम कमाते खुद का पैसा है मेरे, तो मुझे भी एक खुशी मिलती है। मेरे बच्चे को मेरे कमाई से कुछ तो मैं दे रही हूँ उनको, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो मैं बच्चे को गिफ्ट वगैरह देती हूँ, मेरे छोटा है और लेडी बच्चा, तो उसको मैं खरीदी करके देती हूँ। बाय बाय।